नारायण मेरे पितरों का उद्धार करो, मेरे पिता का, मेरी माँ का, मेरे दादा का, मेरी दादी का, मेरी नानी, मेरे नाना, मेरे परिवार का उद्धार करो और केवल दो आंसू बहा दो। यदि आपने दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके अपने पितरों का स्मरण करके केवल पितरों के नाम से दो आंसू बहाए तो वह दो आंसू से भी तृप्त हो जाते हैं आपके पितर। जो आपने पांच बार भगवान नाम जपा उस पांच बार के नाम जप का फल उन्हें प्राप्त हो जाता है। इसलिए कुछ ना कर पाओ तो ये जरूर करना, दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करना, पितरों का स्मरण करना पूर्वजों का, और भगवान नाम लेकर के और आंसू बहा देना पितरों को याद करते हुए, ठीक है। वरना आप अपने माता पिता के नाम से इन 15 दिनों में कहते हैं कि आपके पितर बस आपकी तरफ देखते हैं टुकुर टुकुर। इन 15 दिनों में, वो साल में 15 दिनों के लिए वो आपके आसपास होते हैं, टुकुर टुकुर देखते हैं कि देखो सबका बेटा पोथी बिठाल रहा है, पिंडदान कर रहा है, श्राद्ध, मेरा बेटा क्या कर रहा है, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, मेरे अपने क्या कर रहे हैं। इसलिए ये शुभ कार्य आप कर सकते हैं। यजमान बन के परीक्षित बन के हमारे श्री नितिन रस्तोगी जी कहाँ हैं? सचिन रस्तोगी जी, उदित रस्तोगी जी, पिताजी स्वर्गीय श्री प्रेम प्रकाश रस्तोगी जी, माताजी स्वर्गीय प्रेम लता रस्तोगी जी। देखो नितिन जी, सचिन जी, तीनों भाई हो, तीनों भाई, ये देखो, ये उदाहरण मैंने दिया, ये तीनों भाई मिलकर अपने स्वर्गीय माताजी और स्वर्गीय पिताजी के लिए इन्होंने देखो भागवत का आयोजन किया। इनकी माता, इनके पिता कितने प्रसन्न हो रहे होंगे कि वाह, मेरे बेटे ने मुझे भुलाया नहीं, मेरे बेटे ने मुझे याद रखा। यही है ऋण बेटा, इसी से ना आप तरक्की करते हैं। भगवान की कृपा बाद में लगती है, पितरों की कृपा पहले लगती है। भगवान रूठे हैं तो मान जाएंगे, पितर रूठे हैं तो मना लो, वरना पितर जब रूठते हैं तो फिर मौका देते हैं वो बार बार कि बेटा कुछ कर दो हमारे, नहीं तो फिर पितृदोष स्टार्ट हो जाता है, जिस पितृदोष का फिर बड़ा नुकसान है आगे चलकर। वो पितृदोष ना हो, पितरों के लिए कुछ करते रहोगे तो पितृदोष लगेगा ही नहीं, वरना पितृदोष फिर आगे बहुत क्षति पहुंचाते हैं। इसलिए तो आप लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। स्वर्गीय श्री विमलेश देवी जी, आपकी बहन सुनैना रस्तोगी जी, समस्त रस्तोगी परिवार, आप मेरठ से आए, मेरठ हम आए थे, वही वाला मेरठ, हाँ बारिश हुई थी, हाँ आपको याद है। अभी 26 तारीख से फिर भागवत जी के पोथी पाठ हैं। आज जितने भी पोथी पाठ के यजमान यहाँ आए हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत वंदन। मैं तो देखो आपके दर्शन करने से भी